आगे एक्सीडेंट हुआ पड़ा। तो ये अभी दोस्तों डेल्सफोर्ड लेक, एंड दिस लेक इज एक्चुअली एन आर्टिफिशियल लेक। हम वापस जाके इसको डस्टबिन में डालेंगे, अभी तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली यहाँ पे दोनों है, लंच भी है डिनर भी है। तो उसमें जो जोकर होता है, भूतिया जोकर, वहाँ पे जाके हम अपने ड्रोन को उड़ाएंगे। मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन में, एक और नए ब्लॉग में। आज है दिन सैटरडे और जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम काफ़ी बढ़िया है, हल्की सी धूप है। कल तो प्रॉपर गर्मी वगैरह काफ़ी पड़ रही थी, बट आज टेम्परेचर है अराउंड 20s। तो मैंने सोचा है यहीं पास पर जाने का, डेल्सफोर्ड। तो वहाँ पर एक छोटी सी लेक है, डेल्सफोर्ड लेक, तो वहाँ चल के करते हैं उसको एक्सप्लोर। जाने से पहले हर बार की तरह एक छोटा सा पिट स्टॉप। इस बार पिट स्टॉप लिया मैंने गाड़ी वॉश करवाने के लिए और तेल भी फिल करवाना था। आप भी सोच रहे होंगे जब भी मैं निकलता हूँ हमेशा कोई ना कोई पिट स्टॉप होता है, कभी तेल डलवाना होता है, कभी गाड़ी धुलवानी होती है। बट द रीज़न ये है कि गाड़ी मेरी मोस्टली पार्क रहती है, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो काफ़ी रेयरली गाड़ी निकालनी पड़ती है। और मेरे सिस्टर और जीजा जी की भी गाड़ी है, तो मोस्टली उसी में सामान वगैरह आ जाता है। तो इस कारण गाड़ी निकलती नहीं है, तो पड़ी पड़ी उस पर मिट्टी वगैरह पड़ जाती है। और इधर मेलबर्न में तो बारिश पड़ती रहती है, तो अभी काफ़ी गंदी हुई पड़ी है गाड़ी। आगे एक्सीडेंट हुआ पड़ा, जाम लगा हुआ, मेरे को 5 मिनट हो गए। तो तकरीबन यहाँ से दिखा रहा है आधे घंटे का रास्ता और है, बट आई थिंक यहाँ से 10 मिनट तक ऐसी गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ेगी। ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, 10 मिनट का रास्ता रह गया है। मैंने डेल्सफोर्ड का एक्सिट ले लिया है, तो बस अभी अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ। तो वही फाइनली पहुंच गए हैं हम लेक डेल्सफोर्ड। तो यहाँ की सारी पार्किंग है, तो काफ़ी रश है अभी यहाँ पे। मैं तकरीबन 2 बजे पहुँचा हूँ। और ये यहाँ पे छोटी सी कॉफ़ी की दुकान है, यहाँ से मैंने कॉफ़ी वगैरह ली है। ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले कॉफ़ी लिया मैंने, आइस्ड कॉफ़ी। तो थोड़ी प्यास वगैरह लगी थी मेरे को, और सुबह नाश्ता भी कम ही किया था, सुबह जस्ट ब्रेड टोस्ट खाया था। और साथ में मैंने ली है ये चिकन पाए, तो इसको खाते हैं। बाहर मैंने सीट वगैरह ढूंढने की कोशिश की थी, बट आई थिंक मोस्टली सारे टेबल ऑक्यूपाइड हैं। आज क्योंकि सैटरडे है, तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो काफ़ी वीकेंड कारण काफ़ी बिजी है यहाँ पे। तो ये अभी दोस्तों डेल्सफोर्ड लेक। तो मौसम काफ़ी बढ़िया है, आज धूप निकली हुई है, तो काफ़ी लोग आए हुए हैं आज पिकनिक वगैरह मनाने, फैमिलीज वगैरह के साथ अपने बच्चों को लेके। और ये वहाँ पे पीछे हमारी कुछ देसी फैमिलीज फ़ोटो शूट कर रही हैं, और मैं कर रहा हूँ ये अपनी कॉफ़ी एंजॉय। तो अभी चलते हैं, इसका एक सर्कट होता है, वो हम सर्कट पार करेंगे। तो दो रास्ते हैं इसका, आपका जो लेक है उसको कवर करने के। तो एक एंट्रेंस से राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड से है, वो मैं आपको दिखाना भूल गया, वापसी में दिखाता हूँ। तो इधर हम पहले भी आ चुके हैं, काफ़ी बार आए हुए हैं, बट ब्लॉगिंग फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सामने से लोग आ रहे हैं अभी हमारे, तो एक पीछे से भी रास्ता है, वहाँ से आप जा सकते हो। आई थिंक ये पूरा सर्किट करने में आपको तकरीबन 30-40 मिनट्स लग सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपन आपका फिटनेस लेवल कितना है। तेज करोगे तो जल्दी कर पाओगे,
दौड़ के करोगे, कुछ लोग तो आई थिंक दो दो चक्कर लगाते हैं उसके लेक पे। तो जैसा कि मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहा था आपको, टाउन का नाम है डेल्सफोर्ड। तो ये 1858 और 1800 के आसपास इस्टेब्लिश हुआ था। पहले इसका नाम था वॉम्बैट, इसका नाम स्टार्टिंग से डेल्सफोर्ड नहीं था, तो पहले इसका नाम था वॉम्बैट। तो 1900s के आसपास ये इन्होंने इसको रीनेम कर दिया, तो इसका नाम रख दिया डेल्सफोर्ड। एंड दिस लेक इज़ एक्चुअली एन आर्टिफिशियल लेक, तो ये नेचुरल लेक नहीं है, एक्चुअली मैन मेड लेक है। तो यहाँ के लोगों ने इसको मिलकर लेक को बनाया था। तो मेनली जो जैसे कि मोस्टली ऑस्ट्रेलिया फेमस है हमारी माइनिंग वगैरह के लिए, तो इस टाउन में भी माइनिंग का रश आया था, एंड दैट वाज गोल्ड माइनिंग। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप अभी भी देखोगे तो मोस्टली माइनिंग वगैरह काफ़ी होती है, और हमारे जो ओर्स वगैरह हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। तो इधर आया था गोल्ड का, और इधर ही बैलारेट है, बैलारेट में गोल्ड माइनिंग का रश आया था। अगर आप कुबरपीडिया, आपको याद है मेरा डार्विन वाला ट्रिप, तो वहाँ पर ओपल माइन का रश आया था। और उसी तरह एक छोटे से और टाउन में गया था मैं, ब्लिंसमैन टाउन शायद साउथ ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे कॉपर का आया था रश, कॉपर माइनिंग का। तो इसी तरह पूरे ऑस्ट्रेलिया में अभी भी माइनिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा माइनिंग होती है आयरन की भी, और काफ़ी एक्सपोर्ट जाता है बाहर की डेवलपिंग कंट्रीज़ को, मेनली चाइना को जाता है एक्सपोर्ट वगैरह। तो वापस डेल्सफोर्ड पे आते हैं, तो डेल्सफोर्ड जो फेमस हुआ था गोल्ड माइनिंग रश के लिए, बट अभी यहाँ पे इतनी माइनिंग वगैरह सब बंद हो गया, क्योंकि सारा गोल्ड वगैरह इन्होंने ढूंढ के यूज़ वगैरह कर लिया है। तो एक बढ़िया सा स्पॉट आया, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपको प्रॉपर पूरा व्यू देखने को मिल रहा है लेक का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हालांकि वो आगे जाके थोड़ा सा आगे भी है, बट मोस्टली जो इनका मेन एरिया है यहीं पे है। और यहाँ पे पीछे कुछ लोग फैमिलीज आई हुई हैं, पिकनिक मना रही हैं। वही आप सामने हट वगैरह देख रहे हो, वो है बोट हाउस रेस्टोरेंट। तो मोस्टली लोग आते हैं यहाँ पे वीकेंड्स पे, इवन वीकडेज पे भी ब्रंच वगैरह करने। जस्ट अगर आप आ रहे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू कम हियर इन द मॉर्निंग। तो दोपहर में आके लंच वगैरह करके, वॉक वगैरह करके वापस घर की तरफ जा सकते हैं। तो वही पूरी लेक आसपास घरों वगैरह से सराउंडेड है, ये सामने एक घर है, वो एक पीछे एक घर है। तो आई थिंक उन घर वालों के लिए काफ़ी बढ़िया व्यू रहता होगा, जब सुबह उठते होंगे आराम से चाय वगैरह बना के नीचे आके इधर पुल पे खड़े होकर चाय एंजॉय करते होंगे। और वो सामने फिर से हमारा बोट हाउस। बाकी मैं आज ड्रोन भी लाया हूँ, पिछले ब्लॉग में भी ड्रोन लाए थे, बट हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी तो अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाए। कुछ एक शॉट्स लिए थे जो ब्लॉग्स में डाले थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बट प्रॉपरली उसको अभी उसकी फुल कैपेबिलिटीज़ को हम यूज़ नहीं कर पाए। तो अभी मैं वापस पूरा सर्किट कम्प्लीट करके जाऊँगा गाड़ी में, तो ड्रोन उठा के लाता हूँ। तो आई थिंक ये वाली लोकेशन, यहाँ से मैंने वीडियो बनाई, तो ये लोकेशन काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, बट खाली गिलास है यहाँ पे, बिन वगैरह नहीं है वहाँ पे स्टार्टिंग में, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, एक अच्छे नागरिक की तरह हम वापस जाके इसको डस्टबिन में डालेंगे, एक उससे भी अच्छे नागरिक की तरह। तो वो स्टार्टिंग से हम आए थे, तो उधर से पूरा ये कवर करके इधर पहुँच गया हूँ मैं। यहाँ पे रेस्टरूम्स वगैरह और बने हुए हैं, अभी आगे चल के देखते हैं और क्या है। लास्ट टाइम आया था यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी था, तो अभी पढ़ के देखता हूँ वो है कि नहीं है। आई थिंक ये है वो। तो वही यहाँ से है स्प्रिंग्स 500 मीटर आई थिंक वही था, तो जाके देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था गोल्ड फील्ड्स हैं यहाँ पे, तो अभी तो नहीं है, बंद होंगी, तो आई थिंक बट टूरिस्ट वगैरह के लिए होंगी देखने के लिए। और अगर यहीं रास्ते से आप वापस आओगे तो आप वापस स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे कार पार्क की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था पूरा राउंड सर्किट है, आप इस ट्रैक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं आपकी वॉक, या उस ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं, यहाँ से हम आए हैं।
तो ठीक है, चलते हैं नीचे। तो भाई ये आगे वाला एरिया तो इन्होंने बंद किया हुआ है, लास्ट टाइम आए थे तब तो यहाँ पे खुला हुआ था, बट अभी यहाँ पे लग रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये जो सामने है, आई थिंक इधर से काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा था लास्ट टाइम, तो आपको ऐसा लगता था कि वाटरफॉल है, तो अभी तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो आई डोंट नो, प्रोबेबली आई थिंक विंटर्स में दोबारा आएंगे तो शायद यहाँ पे पानी हो, बट अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो वापस ऊपर आ गया हूँ मैं, ये है वो पुल, इस पुलिया से हम जाएंगे वापस कार पार्किंग की तरफ। तो भैया नाम का इन्होंने छोटा सा बीच बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे लॉजेस वगैरह हैं रहने के लिए। ये है वो बोट हाउस रेस्टोरेंट जो मैं आपको बता रहा था। तो एक्चुअली यहाँ पे दोनों है, लंच भी है डिनर भी है, टाइमिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं। वेंसडे टू संडे आपका लंच वगैरह है और डिनर आपका सिर्फ फ्राइडे संडे एंड सैटरडे है 5:30 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको रेस्टोरेंट की एंट्री यहाँ से है, तो चल के देखते हैं। अभी आई थिंक खुला होना चाहिए और बंद है अभी, तो ये बाहर से ऐसा है, तो आई थिंक अभी टाइम हो गया है उस हिसाब से इन्होंने बंद कर दिया है। तो अभी ये बस डिनर के लिए खोलने का, क्योंकि आज वीकेंड है, तो दोबारा ये 5:30 खुलेगा। तो भाई वो सामने था कैफ़े, यहाँ से मैंने कॉफ़ी वगैरह ली थी अपनी और पाए। और ये पूरा इधर पार्किंग वगैरह बनी हुई है, ये मेरी गाड़ी है, मैं आपको इसमें एक कूल सी चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने सनशेड ली थी। अगर आपने वो मूवी देखी हो इट, तो उसमें जो जॉकर होता है, भूतिया जॉकर, उसकी आँखें ऐसे होती हैं, नाम भूल गया उसका। भाई अभी वापस जा रहा हूँ मैं, तो ये ड्रोन ले लिया मैंने, तो जाके कोशिश करेंगे ड्रोन के शॉट्स हैं और उसको इस ब्लॉग में डालेंगे हम अपने। तो अभी हम दूसरे रास्ते से वापस जा रहे हैं उस पुल की तरफ, तो जब आए थे तब दूसरे रास्ते से गए थे। तो वो रहा भाई पुल, वहाँ पे जाके हम अपने ड्रोन को उड़ाएंगे और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स कैप्चर करेंगे, ड्रोन शॉट्स। आज किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी, पूरी अच्छी भी नहीं थी। जैसे मैं ड्रोन शॉट्स लिए, आई थिंक एक दो तो ठीक ठाक आ गए, वो मैं बस वैसे ट्राई कर रहा था कौन से शॉट्स लेने हैं, तो उसके बाद फिर से हवा चलनी शुरू हो गई। तो अभी देखते हैं कैसे आए हैं शॉट्स, कुछ एक तो ठीक आए होंगे, बाकी जाके एडिटिंग वगैरह करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। भाई निकल पड़े हैं वापस अपने घर के लिए। ये है वो सामने कैफ़े जो मैंने आपको बताया था, इसका नाम है वॉल्टर्स करके कैफ़े है, तो आप यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह खा सकते हैं, स्नैक्स वगैरह। पहले मैं दूसरे रास्ते से आया था आते टाइम, अभी मैं जा भी उसी रास्ते से रहा हूँ, बट लेक एंटर करने के दो रास्ते हैं, तो अब मैं दूसरे वाले रास्ते से वापस जा रहा हूँ। तो अभी मैं जस्ट घर पहुँचा हूँ मैं, उधर से तो आए मेरे को हो गया था टाइम, आई थिंक तो 15-20 मिनट में इधर पास में मॉल था, वहाँ गया था। बाकी करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म, मैं मिलूंगा आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।